गाइज हम लोग पहुंच गए इसुजू। हम लोग जा रहे हैं शोरूम, ठीक है, गाड़ी छोड़ने, फिर बाद में वहां से हम लोग कहीं और जा रहे हैं, फिर बाद में इसुजू जा रहे हैं। आज हमने ज्यादा शॉपिंग नहीं की, अदरवाइज क्या होता था, जब भी यहां पे आओ ना भाई बहुत शॉपिंग करते थे हम लोग। मेरा ना आज मन नहीं है यार गाड़ी छोड़ने का इसुजू में, लेकिन यहाँ पे आ गया है माउंटेन ट्रैफिक सिटी में। मैं आपको बताया कि चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा हूँ, एक लड़की मिल गई मेरे को अभी यहाँ गाँव में, प्रपोज किया उसने मेरे को ना, मैं कहा ठीक है मैं शिफ्ट होता हूँ कल ही, शादी करता हूँ मैं तेरे से। देखो माउंटेन ट्रैफिक आ गया सिटी में भाई। कहाँ, भृगू जा रहे हो कि हामटा पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज हमारी बाइक की डिलीवरी यार, आज फाइनली हमारी बाइक आने वाली है। जो डॉक्यूमेंट्स के काम थे, बाकी काम थे, सारे पिछले कल हो गए थे, तो आज हम मोस्ट प्रॉब्ली बाइक की डिलीवरी लेने वाले हैं। लेकिन एक सीन पड़ रहा है, आज है सैटरडे और सैटरडे को घर वाले बोलते हैं कि बाइक की डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए, बाइक का लोहा घर नहीं लाना चाहिए, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन चली हुई है माइंड में। बाकी देखते, शोरूम तो हम लोगों को जाना है और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं मोस्ट प्रॉब्ली दिखा दूंगा बाइक कौन सी बाइक हम लोगों ने ली हुई है। अगर डिलीवरी ले ली फिर तो फॉर श्योर आप लोगों को दिख जाएगी। और रात को ना मेरे को बाबू भाई के फोन है 4-5, मैं सो गया था भाई, पिछले का तबियत खराब थी मेरी, मैं सो गया था, फोन साइलेंट हो गया था मेरा, ठीक है। और अभी मैंने उनको कॉल बैक किया, उन्होंने उठाया नहीं, शायद से वो भी सोए हुए होंगे इस टाइम पे, तो शायद से अगर वो आ गए तो साथ में हम लोग डिलीवरी लेने वाले हैं बाइक की। बाकी सबसे पहले हम लोग को जाना है ऐसे डिकैथलॉन, वहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह करना है, शॉपिंग वगैरह करनी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से इसुजू कृष्णा जाना है, इसुजू छोड़नी है वहाँ पे, फिर हम लोग बीएमडब्ल्यू के शोरूम जाएंगे। और एक काम करते हैं, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते आज की ब्यूटीफुल से डे की शुरुआत, लेट्स गो। और वीडियो में एंड तक बने रहो और जो जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 100K का जो टारगेट है ना वो पूरा करने में मदद करो। और बाहर बहुत गर्मी है मेरी, देख के ही बुरे हाल हो रहे हैं। धूप दिख रही है आपको कितनी ज़्यादा है। और जीजू चले गए नीचे इसुजू को ठंडा करने के लिए, गर्म नहीं, ठंडा करने के लिए एसी ऑन अंदर। जीरकपुर में जहाँ हम रुकते हैं ना यार, वहाँ से जैसे बाहर निकलो ट्रैफिक बहुत लंबा लगता है, मतलब यहाँ की लाइट्स ऐसी कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। और अभी हम लाइट में फंसे हुए हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं डिकैथलॉन, वहाँ पे जाके थोड़े से देखते हैं सामान क्या क्या नया आया हुआ है, और काम की चीज़ें दिख जाती है कई बार वहाँ पे, तो चलते हैं पहले, क्योंकि वो पास है। अगर हम पहले इसुजू जाते हैं तो वहाँ से वापस आओ तो लंबा पड़ जाता है, ये ऑन द वे पड़ता है ना, तो पहले हम लोग जाएंगे डिकैथलॉन, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे इसुजू। हम लोग पहुंच चुके हैं डिकैथलॉन, गाड़ी कर दी हमने नीचे बेसमेंट में, पास में पार्किंग में। बाकी यहाँ के सेटिस्फेक्शन है भाई, मन करता है सब कुछ ही ले लो, इतना कुछ है, मतलब अपने काम की चीज़ें सारी की सारी। बकेट मैंने ले लिया, भरते इसको अभी खाली ना, भरते इसको। फिर मैं ना एक बैग ढूंढ रहा था अपने ड्रोन के लिए, लैपटॉप के लिए, मतलब जितनी भी मेरे पास सारी चीज़ें एक ही उसमें आ जाए, क्योंकि ड्रोन कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी है ना फोल्ड होता ना कुछ, उसको कैरी करना मुश्किल है। तो यहाँ पे ना एक बैग दिख गया था मेरे को, लास्ट टाइम भी दिखा था, बट ये कैमरा बैग है, ठीक है, और रेट है इसका 3000। एक और बैग दिखा है मेरे को, जहाँ पे हमने ZX10R दिखे ना वहाँ पे मेरे को एक बैग दिखा हुआ है, तो उनके पास चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, वो वाला बैग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। डिकैथलॉन से निकल रहे हैं हम लोग शॉपिंग वगैरह करके, आज हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, अदरवाइज क्या होता था, जब भी यहाँ पे आओ ना भाई बहुत शॉपिंग करते थे हम लोग। आज हम लोगों ने कम शॉपिंग की क्योंकि सामान ही नहीं मिला, ऊपर से लेट भी हम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ना आज मन नहीं है यार गाड़ी छोड़ने का इसुजू में, लेकिन क्लच प्लेट चेंज करनी ज़रूरी है, अब इसके बाद कैब में दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 घंटे तो कम से कम लगने वाले हैं, कैब में भागना पड़ेगा इसके बाद। गाड़ी छोड़ दी हमने इसुजू में, 2-3 घंटे कह रहे हैं कि गाड़ी को लगेंगे 2-3 घंटे ठीक होने में, तब तक यहाँ बैठ के कोई पॉइंट नहीं बनता था, बड़े करके हमने कॉफ़ी पी निकल रहे हैं यहाँ से। और एक और जगह है जहाँ पे बाइक की एक्सेसरीज वगैरह मिलती है, बाइक्स वगैरह रखते हैं, वो कस्टम का काम करते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे जाके देखते हैं अपने काम की क्या चीज़ है, मतलब हो जाएगा। और बैग मैं इसलिए कैरी करके चला हुआ हूँ क्योंकि ड्रोन वगैरह इसमें सब कुछ है यार, सामान इंपॉर्टेंट सामान। एक टैक्सी आई अभी, ठीक है, ऊबर बुक की हुई थी मैंने, लंप था वो बंदा पता है, आए बिठाया उसने, बाद में काफ़ी देर से लेके हमको कंफ्यूज कर रहा है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करके, सर ये लोकेशन है वो है आपका, ये लोग गिल को दिखा रहा है। तो हमने ये बोला, हमने कहा ठीक है अगर गिल को दिखा रहा है तो वही लोकेशन है, उसने अपने मैप में भी चेक कराई, मैंने कहा हाँ भाई यही लोकेशन है डाली है, कंफ्यूजिंग बातें कर रहा था। बाद में जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप बोलना क्या चाहते हो क्लियरली बताओ, फिर कहता सर एक्चुअली गिल को मेरे को लगा दूसरा है, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली, हम मेरे को लेफ्ट जाना है आपकी राइट में लोकेशन है, मैं लेट हो जाऊंगा लुधियाना जाना है, मैं तो ऐसी बात बोलो ना। तो मैं हम उतर गए उस गाड़ी से, हमने कहा चल कोई बात नहीं, फिर कहता सॉरी सर, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने कहा सबकी मजबूरी होती है, उतर गए हम धूप में, बाकी दूसरी कैब कर ली है मैंने, और तब तक आगे हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए। गर्मी में और क्या कर सकते हैं, गन्ने का जूस ही पी सकते हैं और कैब का वेट कर सकते हैं इतनी गर्मी में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी अंदर जाके था यार, और ऊपर से ना मैप्स में अलग ही दिखा रहा था, ये दूसरी गाड़ी हमारे पास आ गई थी, मतलब सिलेरियो दिखा रही थी लेकिन बलेनो आ गई ब्रांड न्यू, ऐसा लग रहा था शोरूम से निकाल के अभी लाई हुई है भाई ने गाड़ी। बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन्स है। और जहाँ पे भी जाओ ना भाई, हार्ले को 3 दिन हार्ले यहाँ पे भी खड़ी है, चलते हैं अंदर। चलिए जी यहाँ से हम लोग हो चुके हैं फ्री, अब निकलते हैं इसुजू कृष्णा। इसुजू का उन्होंने बोला हुआ था 2-3 घंटे हो चुके हैं, जाते हैं गाड़ी उठाते हैं और बाइक की डिलीवरी देखते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहो, पता चल जाएगा आज लेनी है कल लेनी है, और तब तक ऊबर की राइड लेते हैं हम लोग। चलिए पहुंच चुके हैं हम लोग इसुजू कृष्णा, बाकी चलते हैं ऊपर गाड़ी लेके आते हैं। 2-3 घंटे बोला था, हो गए 2 घंटे तो हो गए हम लोगों को, और आधा घंटा हमने उस टाइम पहले भी वेट किया होता है यहाँ पे। हम लोग ना अभी बात पता क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं बार बार ब्लॉग में बताता हूँ, गाइज हम लोग पहुँच गए इसुजू, हम लोग जा रहे हैं शोरूम, ठीक है, गाड़ी छोड़ने, फिर बाद में वहाँ से हम लोग कहीं और जा रहे हैं, फिर बाद में इसुजू जा रहे हैं, और अभी इसुजू हुई नहीं है, अभी इसमें कम से कम आधा एक घंटा लगने वाला है, और हमने कुछ खाया नहीं है, तो वापस हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और नज़दीक में वो ये सब्वे,
सबवे खाएंगे, पेट पूजा करने जा रहे हैं हम फाइनली। अगर मम्मी ये वीडियो देख रही है ना, मम्मी हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। आज ऐसा फील हुआ हमने कुछ खाया, मैंने चना राइस खाए भर के भाई और मजा आ गया। गुड़ भी साथ में, गुड़ भी कर गया। अब फाइनली मैं बोल सकता हूँ इसुजु जाते, क्योंकि उन्होंने आधा घंटा बोला था, एक घंटा हो गया हम लोगों को। यार इसुजु में क्लच प्लेट डाली है नई ना भाई, ऐसे क्लच पे ऐसे उठ रही है पता है एकदम। अब क्लच प्लेट इसकी देखी ना मैंने, पूरी चली गई थी। बाकी गाड़ी मिल गई हम लोगों को और हम लोग पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। ये हम लोग को यहाँ से क्या लेना है पता है, चलो अंदर चलते फिर बताता हूँ। बाइक की जो डिलीवरी है वो कल होने वाली है, आज पेपर वर्क वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है। और कौन सी बाइक ली आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, आज नहीं पता चलने वाला क्योंकि डिलीवरी ब्लॉग ही दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट में। और थोड़ा पूरा सामान ना हम लोगों ने और ले लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैग्स थोड़े से थे लेने को, लैपटॉप बैग मेरे पास नहीं था जिसमें कि ड्रोन। क्योंकि आपको पता है क्या होता है, एफपीवी कैरी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये एक बैग मिल गया मेरे को बहुत सही क्वालिटी का जिसमें मेरा एफपीवी आ, मतलब सब कुछ आ जाएगा, एफपीवी आ जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा, तो दो बैग्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक बैग में सारा काम हो जाएगा अपना। वहाँ से हम लोग निकल गए, शॉपिंग हम लोगों ने कर ली जितनी करनी थी, पीछे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है माउंटेन ट्रैफिक सिटी में, ये देखो माउंटेन ट्रैफिक आ गया सिटी में। भाई कहाँ, भृगु जा रहे हो कि हमटा पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? गद्दी चले जीजू, कहाँ जा रहे होंगे? अंबाला चले, ये लोग अंबाला वाले पहाड़ में। लेकिन ये माउंटेन ट्रैफिक लग गया सिटी में, हम शॉर्टकट के चक्कर में थे, हमने कहा हाईवे में ट्रैफिक लगा हुआ है शॉर्टकट से जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में तो हम लोग फंस गए। जीजू को बोल रहा हूँ हम ना उसके हाईवे के दो मिनट के ट्रैफिक से बचने के चक्कर में हमने गाड़ी यहाँ डाल दी, ठीक है। जीजू कहते थे कुछ यहाँ देखो गाँव देखने को मिल रहा है शहर में। जीजू क्या था ये पिंड? जुआ चला गया, जुआ 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 पिंड में पहुंच गया। पिंड से ये लोग बाहर निकल गए और मेन हाईवे आ गया सामने। मेन हाईवे ठीक है भाई, क्योंकि यार इतने सारी भेड़ बकरियां, लेकिन चलो कुछ ना कुछ देखने को तो मिल गया हमको कि शहरों में भी भेड़ बकरियां होती है। मेरे को नहीं पता था, आपको पता था जीजू? पता था आपको? और ये भी पता था आपको हमटा पास जा रही है, अंबाला जा रही है बकरिया? चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा है क्यों गाइस? मेरे को लड़की मिल गई यहाँ पे, लेफ्ट राइट ये बताओ, मेरा मैप बंद है। राइट लेफ्ट गाइस देखा हमने, राइट बोला। मैं आपको पता है चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा हूँ, एक लड़की मिल गई मेरे को, अभी यहाँ गांव में प्रपोज किया उसने मेरे को ना, मैं कहा ठीक है मैं शिफ्ट होता हूँ कल ही, शादी करता हूँ मैं तेरे से। ओके जी, फाइनली हमारा जो फाइनल काम था वो भी हो चुका है, सामान हम लोगों ने पूरी तरह से लोड कर दिया गाड़ी में। और सामान यार एक्चुअली लेते वक्त ना बिजी हो गए थे तो दिखा नहीं पाया, दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरा सामान हम लोगों ने भर दिया है, यहाँ पे भी डब्बे, उस साइड भी डब्बे, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट जो भी हमारा सामान था सारा आ गया। बाकी मतलब कल के लिए हम लोग फ्री है, कल हम लोगों को लेनी है सिर्फ बाइक की डिलीवरी, उससे पहले जो भी काम थे बाइक की एक्सेसरीज वगैरह थी जो हमको उसमें लगानी है, ठीक है, वो भी हमने ले ली है। और छोटा मोटा सामान जितना भी बचा था सब ले लिया है हमने, बस कल हमारी होने वाली है सिर्फ बाइक की डिलीवरी। मतलब कल का जो व्लॉग है ना वो होने वाला है बाइक की डिलीवरी से रिलेटेड, ओनली बाइक डिलीवरी। और मनाली हम कब निकलने वाले हैं वो नेक्स्ट व्लॉग देखना आप लोगों को पता चल जाएगा, या फिर हम शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल डिलीवरी लें और उसके बाद हम लोग निकले मनाली। और एक और अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ, बाबू भाई से बात हुई थी, वो लोग ना मनाली में रुके हुए थे, ठीक है, मनाली से वो निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, तो कल के व्लॉग में वो भी साथ में होंगे शायद से। अभी बात करूंगा, देखते कोऑर्डिनेट करते हम क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वैसे हमने डिलीवरी आज ही लेनी थी लेकिन आज शनिवार वाला दिन है ना, तो पता है ना घर वाले बोलते हैं शनिवार को चीज लोहा नहीं आना चाहिए, वही सीन है। और बाकी अपनी नंबर प्लेट भी होगी सीधी है, देखो शोरूम में लगाई थी ना हमने, उन्होंने ठीक करके दे दी हमको पूरी। होटल पहुंच गए हम लोग, ठीक है, बाकी चलते ऊपर। और आज के इस व्लॉग में मैं यहीं पे एंड करने वाला हूं, रूम में जाके नहीं करूंगा। और कल है हमारी बाइक की डिलीवरी, बाबू भाई से बात करता हूं, देखते अगर वो आएंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो फिर हम लोग ले लेंगे डिलीवरी, लेकिन कल फाइनली हमारी बाइक की डिलीवरी है, ठीक है। बाकी काम करते हैं ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आज के ब्लॉग में आप लोगों को मजा आएगा ना, जल्दी से सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और जल्दी से 100 के पहुंचाओ। और आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।